शिक्षा मंत्री जी ने माफी नहीं मांगी है, ये सदन में माफी नहीं मांगेंगे जब तक हम बोलने नहीं देंगे। इनको सदन से माफी मांगनी पड़ेगी, सदन से माफी मांगनी पड़ेगी मंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को माफी मांगनी पड़ेगी। इस प्रकार के बयान दे रहे रोजाना, एक प्रदेश का शिक्षा मंत्री किस प्रकार की भाषा का यूज करता है, किस प्रकार से दूसरे समाज के लिए शब्दों का प्रयोग करता है, ऐसे शिक्षा मंत्री को पद पर रहने का अधिकार नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, इस सरकार को आप निर्देश दीजिए कि इनको सद्बुद्धि आए, इनको सद्बुद्धि आए कि ये जनता के हित की बात करे, न कि आपस में एक दूसरे समाज पर छिटाकछी करे। ये आजकल ऐसा लग रहा है कि विद्यालय कर्मोन्नत के मापदंड क्या क्या है वो बताएं। अन्य अपनी सीट मत छोड़िए, आप तो अभी बोलने का मौका नहीं मिलेगा। अपने अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, कल भी इनका बयान आया है, परसों भी मंत्री का बयान आया है, उससे पिछले रोज भी मंत्री का बयान आया है, 14-14 मुकदमे इनपे दर्ज है, और ये दूसरे लोगों को शिक्षा देते हैं, खुद शिक्षा नहीं लेते तो बच्चे को क्या शिक्षा देंगे। ये हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है कि ऐसा शिक्षा मंत्री हमारा है जो हमेशा दूसरों के लिए अपशब्द यूज करता है, दूसरे लोगों की और कोई हैसियत नहीं समझता है, जो मर्जी जो बोले वो बोलता है, शब्दों पे जिसका कंट्रोल नहीं है, और वो इस देश के भविष्य क्या दान रखेंगे, क्या राजस्थान के बच्चों को शिक्षा देंगे, क्या सिखाएंगे, जिनका विजन आज शिक्षा मंत्री बनने के बाद में एक दो लाइन जिनकी शिक्षा पे नहीं आई हो, दो लाइन जो शिक्षा पे नहीं बोले हो, दो लाइन जो शिक्षा को किस प्रकार से मजबूत किया जाए उस पे नहीं बोले हो। और धन्यवाद, इसी प्रकार से शिक्षा मंत्री को तुरंत हटा जाना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें केवल 9 है, और इसी प्रकार से देव देवकी में छात्रों की संख्या 11 और छात्राओं की संख्या 18 है, इसलिए केवल माननीय अध्यक्ष जी से, माननीय अध्यक्ष जी बागुंडा में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये बहुत ही गंभीर सवाल है, राजस्थान के जो दोनी हाल जो बच्चे हैं, श्री हरि सिंह रावत, अरे अभी हो गया भैया, प्रश्न संख्या 91। माननीय मंत्री जी, श्री प्रश्न संख्या 829, मैं पूरक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मेरे प्रश्न में स्पेसिफिक केवल नियम 215(2) के तहत ये सवाल पूछा है। ये मैं नहीं पूछ रही कि कर्मचारी के अग्रिम राशि के रूप में जानकारी नहीं जानना चाहती हूँ, वो नियम 215(1) के तहत कर्मचारी को लेके है, मैंने नियम 215(2) के तहत ये प्रश्न करा है जिसका मुझे जवाब चाहिए था। तो इसके तहत मैंने ये पूछा है कि कोटा जिला में किसी भी पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद के तहत किसी भी विनिर्दिष्ट कार्य व सुकर्मों के लिए एडवांस नहीं लिया गया है क्या? पंचायत वाइज विवरण सदन पे रखें, ये मेरे को जवाब नहीं मिला है। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, 215 समायोजित करना जाएगा, ऐसा न होने पर अस्थायी गबन की श्रेणी में आएगा। लोकतंत्र में संविधान में विश्वास रखते हो तो मंत्री जी का उत्तर देना अधिकार है, आएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक 2015 के तहत किसी भी प्रकार का एडवांस नहीं दिया गया है, परंतु फिर भी यदि माननीय सदस्य को ऐसा लगता है कि एडवांस दिया गया है तो मैं सारे मामले की जांच करवा लूंगा और जो अधिकारी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर आप इसके लिए जांच कराएंगे तो कब तक ये जांच कराएंगे, इसका जवाब मुझे दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूँ, इस सारे पूरे मामले की जांच 20 दिन के अंदर करवा लेंगे और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। अन्य प्रश्न, श्री मोतीराम।